नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस घंटे की चार बड़ी खबरों के साथ मैं अजहर अली आपके सामने हाजिर हूं। टीम इंडिया के बल्लेबाज अंबाती रायडू ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। रायडू को वर्ल्ड कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लिए रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रखा गया था। शिखर धवन के बाहर होने के बाद भारतीय टीम प्रबंधन ने ऋषभ पंत को चुना। हालांकि रायडू ने अभी तक संन्यास लेने का कारण नहीं बताया है। आईसीसी वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा। आज के मैच में हारते ही इंग्लैंड टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर की पक्की दावेदार बन जाएगी। आपको बता दें कि टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। मुंबई के मुंब्रा और कलवा स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से तीन यात्रियों के गिरने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक तीन यात्री गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ट्रेन में ज्यादा भीड़ होने की वजह से यह हादसा हुआ। घायल तीन यात्रियों में एक महिला भी शामिल है। और मानसून को लेकर दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक अगले 72 घंटों में मानसून दिल्ली में दस्तक दे सकता है। इस समय जहां महाराष्ट्र में बारिश कहर बनकर बरस रही है, वहीं देश के कई इलाकों में लोग गर्मी से बेहाल हैं।